और पूरे बिहार में शराब के नाम पर गरीबों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल तो इतना बढ़ा हुआ है बिहार में कि बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष तक को वो अपमानित कर दे रहे हैं। शराब पीने वाला दुकान का पता क्यों बताएगा भाई, इसमें तो अजीब अजीबो गरीब फैसले हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर CPIML के विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम बिहार विधानसभा पोर्टिको के दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो CPIML के विधायक हैं वो पुलिसिया प्रशासन को लेकर आज बिहार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ विधायक हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग को लेकर जो है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और पुलिसिया प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ CPIML के विधायक अजीत कुशवाहा, क्या कुछ मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है? आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था का जो हालत है वो बहुत बुरा है। एक तरफ गया के बेलागंज के अड़हतपुर में किस तरीके से बालू माफियाओं से साठ गाठ करके गरीबों पर अत्याचार किया गया, और पूरे बिहार में शराब के नाम पर गरीबों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल तो इतना बढ़ा हुआ है बिहार में कि बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष तक को वो अपमानित कर दे रहे हैं। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार में कानून व्यवस्था को कायम रखने में अक्षम साबित हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि गरीबों पर लगातार अत्याचार और जुल्म हो रहा है और विधानसभा तक में सवाल उठाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बेलागंज के अड़हतपुर में जिस तरीके से मजदूरों का हाथ बांध करके उनको पीटा गया, उसका सवाल विधानसभा में उठा और यह कहा गया कि वहां के SSP को पहले बर्खास्त किया जाए, लेकिन सरकार अभी भी वैसे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी बात, जो बहुचर्चित मामला है बिहार का, वो शराब का मामला। आप जानते हैं आए दिन शराब से लोग मर रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं कि शराब से मरने वाले लोग सरकार के गलत शराब नीति की वजह से उसके शिकार हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। इसलिए शराब से मरे हुए लोगों को भी उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे, इसकी मांग हम लोग करते हैं। पर जिस तरह से बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लेकर एक नया फरमान जारी किया है कि अब शराबियों को नहीं पकड़ा जाएगा अगर वो शराब माफियाओं के बारे में बता देते हैं, कितना फर्जी बात है बताइए। शराब पीने वाला दुकान का पता क्यों बताएगा भाई, इसमें तो अजीब अजीबो गरीब फैसले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आया था कि जो 50,000 रुपया दे देगा उसको नहीं पकड़ा जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार को बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा है कि आप जो कानून बनाते हैं आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं होती है। पूरा हाई कोर्ट जो है सिर्फ शराब के केस को ही समझने और सुलझाने में लगा हुआ है, बाकी बड़े बड़े केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को जवाब देने का समय आ रहा है, इसलिए झूठ और प्रपंच रच रहे हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार ने बीते दिनों पहले शराबबंदी कानून को लेकर एक नया फरमान जारी किया था, जिसका विरोध भी आज CPIML के विधायक कर रहे हैं और साफ तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे हैं कि गया के SSP पर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद।